हेलो फ्रेंड्स, शादी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। जिसकी शादी हो जाती है उसके भी बड़े मज़े हैं, और जिसकी शादी नहीं होती उसके भी बड़े मज़े हैं। क्यों? शादी होने के बाद भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जब शादी हो जाती है, एक लड़की की तीसरी आंख खुल जाती है उसके बाद, शादी होने के बाद। क्यों? क्योंकि वो लड़का जो है वो किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा है, वो किसी और लड़की के साथ सब कुछ कंडीशन कर रहा है। अब उस लड़की को जब ये, क्योंकि वो लड़की को वो समझता है कि अंधी है, पर वो अंधी नहीं होती है, उसकी तीसरी आँख होती है, वो सब पता लगा लेती है कि साला कोई ना कोई तो है इसके यहाँ, अब कोई ना कोई तो है। वो लड़की, अब वो लड़की है ना, वो लड़का नीचे बैठा हुआ आराम से कुर्सी पलंग पे, कुर्सी पे बैठा हुआ, वो लड़की उसके शरीर से नीचे से निकलती है, फिर देखती है ऐसे थोबड़ा पलटा के, तो उसको लगता है कि इसको तो कुछ पता नहीं है, पर उस लड़की को पता है, उसने शादी की है, कोई बेईमानी नहीं की है। तो शादी की है, जिम्मेदारी है उसकी कि उसका पति किसी और औरत के साथ रंग रलिया ना मनाए, ये उस लड़की की जिम्मेदारी है। अगर उसका पति किसी और लड़की के साथ रंग रलिया मनाए और उसके ही घर में और उसके ही सामने, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? उसके दिल, दिमाग, धड़कन सब एक तरफा यही चीज़ बोलेंगे कि साला कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो इसी तरह की यह वेब सीरीज है। जब तीसरी आँख उस लड़की की खुल जाती है, उसको पता चल जाता है कि इस साले कमीने इंसान के पास एक और लड़की रोमांस कर रही है, और वही रोमांस वो देख लेती है, और पता लग जाता है कि ये है वो लड़का, उस लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। बंदा भी, अब बंदे को पता नहीं है कि उसकी भी तीसरी आंख हो सकती है, पर होती है। याद रखिएगा, जितने भी लोग हैं, एक लड़की नहीं, दस दस लड़कियों को चलाते हैं, याद रखना अपनी पत्नी के सामने संभल के रहना। उसकी जब तीसरी आंख खुलती है ना, तो हर एक इंसान की दरगाह और जिम्मेदारी और ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी तीसरी आँख बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं।